हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगीता गुप्ता, यू आर रेकी ग्रैंड मास्टर। तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं पेंसिल हीलिंग विद रेकी सिखाऊंगी कि आप अपनी ऑरा को पेंसिल से कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले रखी है हिमालयन क्वार्ट्स की पेंसिल ले रखी है। ये नेचुरल है, तो इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं करा है। तो जो क्वार्ट्स होता है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टोन। इसकी जो एनर्जी फील्ड है बहुत अच्छी होती है, इसकी एम्पलीट्यूड हायर होता है और ये हर चक्र पे काम करता है। जो वाइट स्टोन है वो हर चक्र पे काम करता है, तो हम हर चक्र को क्लीन कर सकते हैं बिफोर डूइंग एनी हीलिंग। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि ये जो हम चक्रास को क्लीन कर रहे हैं, ये रेकी का पार्ट नहीं है। तो जिन लोगों को रेकी आती है, वो जो रेकी का पावर सिंबल है उसे भी हीलिंग कर सकते हैं। तो हमने जो है हर चक्रा पे इस पेंसिल को एंटी, ये तो जा रहा है क्लॉकवाइज। तो जब हम क्लॉकवाइज करते हैं तो हम ऊर्जा को डालते हैं, जब हम कुछ नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब मैं घुमाती हूँ तो आई एम सेइंग कि आई एम रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम द क्राउन चक्रा, आई एम क्लेंजिंग माय क्राउन चक्रा। तो आप क्राउन चक्रा को ऐसे घुमाते रहोगे थोड़ी देर और उसको नेगेटिव एनर्जी को ऊपर फ्लिक कर देंगे आप, तो द नेगेटिव एनर्जी इज़ गोइंग आउट। इसी तरह से आप अपना थर्ड आई चक्रा एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। मैं जो भी मेरे आज्ञा चक्र में नेगेटिविटी है वो सारी की सारी क्लेंज हो रही है, क्लेंज एंड क्लियर माय आज्ञा चक्र। मेरा थर्ड आई चक्रा क्लेंज और क्लियर हो रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी इंटेंशन जो आप इसमें डालते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लीन करते वक्त। तो चक्रा क्लेंजिंग में इंटेंशन जो आपने डाली है कि आई एम क्लेंजिंग माई थ्रोट चक्रा, तो ये इंटेंशन से हमारे जो क्रिस्टल्स हैं हमारी इंटेंशन से काम करते हैं। बिफोर यूजिंग एनी क्रिस्टल आपको उसको धो लेना बहुत ज़रूरी है। आप सेंधा नमक के पानी में उसे भिगो के रखेंगे सारी रात फुल मून पे। आजकल बरसातें हो रही हैं तो क्रिस्टल्स लव रेन वाटर, तो आप रेन वाटर में भी आधा एक घंटा अपने क्रिस्टल्स को रख सकते हैं। रेन वाटर से जो है आपका क्रिस्टल बहुत अच्छा एनर्जाइज हो जाता है, बहुत अच्छा काम करने लगता है। तो आपने रेन वाटर में एक घंटा आधा घंटा इसको भिगो दिया किसी बर्तन में रखे, या वैसे ही आप फ्लैट इसको किसी पत्थर पे रख सकते हैं, फर्श क्लीन फर्श के ऊपर रख सकते हैं। तो उस पानी से क्रिस्टल्स जो हैं बहुत अच्छा एनर्जाइज हो जाएंगे और वो काम कर सकते हैं। तो हर चक्रा पे आप क्लीन कर सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चक्रा पे ही करें। जिस चक्रा पे आपको लगता है, जैसे मान लीजिए किसी का सर दर्द हो रहा है, तो आप सिर्फ थर्ड आई चक्रा पे काम कर सकते हो। तो एंड जस्ट फील कि जो भी उसका दर्द है वो इस क्रिस्टल में आ रहा है, और गिव दिस एनर्जी टू द यूनिवर्स। जब आपने ये क्रिस्टल यूज़ कर लिया है, उसके पास हमेशा ध्यान रखना है अपने क्रिस्टल्स को सेंधा नमक के पानी में भिगो के रखना है, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी इस क्रिस्टल ने ले ली है वो ख़त्म हो जाए। तो और फिर उसे दोबारा रीयूज़ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सर का दर्द है या किसी के माइंड में लैक ऑफ क्लैरिटी है या उसे नींद नहीं आती है, तो वो वाला आप पेंसिल ले सकते हो। इसके लिए जो हमारा अपर चक्रास है उसके ऊपर एमेथिस की पेंसिल भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि आपको पता है हमारा क्राउन चक्रा एमेथिस कलर का होता है। तो इस तरह से आपने पेंसिल से क्लीन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ऑन सजेस्टिंग कि आपको किस तरह के वीडियोस और अच्छे लगते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर आप डालिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, एंड यू कैन ज्वाइन क्लासेस इफ़ यू विश टू, रेकी गाइडेड मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, मनी मंत्रा कोर्स। और आप मेरा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, www.संगीताहीलिंगटेम्पल.com। थैंक यू, बाय बाय।